Greetings from Caucus Hindu College. I am Soham Agarwal, a second year student studying Sanskrit and Political Science in Hindu College. And I am Arun Gatok, a second year student at Hindu College studying History and Political Science. Caucus is the discussion forum of Hindu College established in 2007. We regularly write on the topics of national and international importance and also conduct group discussions about the same. We also converse with experts studying across multiple dimensions of academia and publish PRO, the monthly magazine of Caucus Hindu College. The PRO has released 8 editions till now, and 9th edition is slated to be released soon. This interview cum discussion is also a part of 9th edition of the PRO. Today, we have Dr. Ved Pratap Vaidhi, a renowned journalist, political analyst, and freelancer columnist of India to discuss about the situation in Afghanistan. He had been the editor of Nav Bharat Times and Times Group, and currently he is the chairman of Bharati Bhasha Sammelan. He is an expert on the matter of Afghanistan and has been working in this field for a long time. We welcome you, sir, on the behalf of Caucus Hindu College, and hope that this discussion would be enlightening not only for us but also for our audience. Sir. Yeah, go ahead, please. Sir, to begin with, my first question. Sir, Afghanistan since time immemorial is said to be graveyard of empires. Sir, यहाँ पर पिछले 50 सालों में दो महाशक्तियाँ, पहले USSR और उसके बाद में अभी USA फेल हो गए. Sir, how do you see this situation? Why this nation has become a graveyard of empires? इसको बड़े-बड़े साम्राज्यों का कब्रिस्तान इसलिए कहा जाता है कि सिर्फ वहाँ रूस और अमेरिका ही विफल नहीं हुए हैं, उनसे भी बड़ा जो साम्राज्य था ग्रेट ब्रिटेन का, उसने बहुत बुरी तरह से मार खाई. 1838 में ब्रिटिश हुकूमत ने जो भारत में थी वहाँ अपनी 16,000 फौजें भेज दी. उन्होंने शाह शुजा नाम के एक आदमी को बादशाह बना दिया. 4 साल तक उसकी बादशाह चली, लेकिन उस 4 साल में अंग्रेजों के 16,000 सिपाहियों में से 15,999 को पठानों ने, अफगानों ने मार दिया. सिर्फ एक सोल्जर बच के, जान बचा के भागा. उसका 32 किलो वजन कम हो गया था. उसका नाम था डॉक्टर ब्राइटन. वो भाग के पेशावर से, जलालाबाद से पेशावर गया, वहाँ उसने जाके जान बचाई. उसके बाद 2 बार फिर ब्रिटेन ने हमला किया और दोनों बार ब्रिटेन को पटकनी मार दी अफगान बादशाहों ने. उसके बाद रूस घुसा, रूस भी पिटके लगे. उसके बाद अमेरिका घुसा, अमेरिका भी काफ़ी बेइज्जत होके वहाँ से भागा, सामान छोड़ के भाग गया, हथियार, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर सब छोड़ के भाग. अब अगर कोई ये समझ रहा हो, जैसे कि चीन है, कि चीन वहाँ घुस जाएगा, कब्जा कर लेगा, तो चीन को पटक नहीं मारना तो अफगानों के लिए और भी आसान. और अगर पाकिस्तान ये सोचता है कि हम इसको चला लेंगे, तो पाकिस्तान का ये सोच स्वाभाविक है, क्योंकि पिछले 20-25 साल से, बल्कि और ज़्यादा मैं कहूँगा कि 35-40 साल से, जो पहले मुजाहिदीन थे, फिर बाद में तालिबान हुए, फिर तालिबान के भी कई गुट बने, ये सब परवरिश पाते रहे पाकिस्तान. इसलिए पाकिस्तान का ये सोचना बहुत स्वाभाविक है कि हम वहाँ पर इन लोगों को प्रभावित करेंगे, अंगूठे के नीचे दबा के रखेंगे, हम जो कहेंगे वो ये करेंगे. लेकिन मैं आपको बताऊं, खुद मैंने काबुल में अपनी आँख से देखा है कि पाकिस्तान का जो दूतावास है उस पर पठानों ने ऐसे हमले किए हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ. और ऐसी बेइज्जती उनकी वो वहाँ करते थे कि उनका शब्दों में बयान करना मुश्किल. हालांकि पाकिस्तान के इशारे पर हमारे दूतावास पर भी 2008 में हमला हुआ, उसमें दर्जनों लोग मारे गए. इसके अलावा हमने जो जरन दिलाराम सड़क बनाई है जो निमरूज प्रांत में है और वहाँ से ईरान के सीमा तक जाती है, उस सड़क को तोड़ने के लिए और हमारे उत्साह को भंग करने के लिए पाकिस्तानियों ने, या पाकिस्तानियों के जो हमदर्द हैं अफगानिस्तान में,
उन्होंने हमारी सड़क पर भी हमला करवाया और वहाँ भी हमारे लोगों को मरवाने की कोशिश की। तो कहना ये है मुझे कि पाकिस्तान लाख कोशिश करे कि वो अफगानों को अपना हथियार बना लेगा, लेकिन पाकिस्तान को इतिहास से सबक सीखना चाहिए। पठान किसी के गुलाम होके नहीं रहे, वो स्वायत्त है। और वो एक बार उनका पांव मजबूत हुआ कि नहीं काबुल में, वो पाकिस्तान का दम फुला देंगे। और ये बात जो मैं कह रहा हूँ, ये भारत के नीति निर्माता नहीं समझते, ये हमारे नेता लोग तो आप जानते हैं उनकी स्थिति क्या है, उनसे ज़्यादा आप लोगों को ज्ञान है, जो विद्यार्थी हैं उनको ज़्यादा ज्ञान है। हमारा नेता तो नोट और वोट में व्यस्त रहते हैं, तो दो ही चीज़ें परमात्मा है उनकी, बाकी सब चीज़ें आनुषंगिक हैं, मामूली हैं, ठीक है। वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान का वहाँ कब्जा हो गया, लेकिन पाकिस्तान हमसे भी ज़्यादा डरा हुआ है। हमारे तो डर के मारे कहते हैं कि वेट एंड वॉच, मतलब लेटे रहो और देखते रहो। वेट एंड वॉच का हिंदी अनुवाद में ये करता हूँ, वेट एंड वॉच, लेटे रहो और देखते रहो, आँख मीच के लेटे रहो और देखते रहो। पाकिस्तान हमसे ज़्यादा परेशान है, उसको डर लग रहा है। डर क्यों लग रहा है? पहली बात कि पठान लोग अगर मजबूत हो गए काबुल में तो वो डूरन लाइन को रद्द करेंगे। ये डूरन लाइन सीमा रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में सर मोर्टीमोर डूरन ने 1893 में खींची, जिस पर कहते हैं कि अमीर अब्दुल रहमान ने दस्तखत किए थे। लेकिन अमीर अब्दुल रहमान की अगर आप जीवनी पढ़ें और उनके वक्त के सारे बयान पढ़ें तो मालूम पड़ेगा कि अंग्रेज़ ने काफ़ी ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, जिसे अफगानों ने माना नहीं, और हमेशा उसके विरुद्ध हर अफगान सरकार बोलती रही। सरदार दाऊद दो बार, पहली बार 10 साल वो प्रधानमंत्री रहे, फिर 5 साल 1973 से 78 तक वहाँ राष्ट्रपति रहे। दोनों बार उन्होंने डूरन लाइन का खुल के विरोध किया, किंग ज़ाहिर शाह ने विरोध किया। किंग ज़ाहिर शाह के ज़माने में 5 प्रधानमंत्री हुए, उन 5ों प्रधानमंत्रियों ने इसका विरोध किया। तो कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान डरे। पाकिस्तान को डर लगता है कि पठान लोगों की संख्या अफगानिस्तान से ज़्यादा पाकिस्तान में, और 30-35 लाख पठान पहले भी पाकिस्तान की सीमा में घुस गए थे और वहाँ रहते हैं, कराची में, लाहौर में, पेशावर में, सब दूर उनका एक छत्र वर्चस्व बना हुआ है। तो उनको ये लगता है पाकिस्तानियों को डर कि काबुल में मजबूत हो गए तो पेशावर भी ले लेंगे, मुसीबत कर देंगे हमें। और जब बादशाह खान से मैं पहली बार मिला था तो बादशाह खान मुझे कहते थे कि आपने, आप हिंदुस्तानियों ने, आप कांग्रेसियों ने हमें घड़ियों के आगे फेंक दिया है। ये बादशाह खान ने 50-55 साल पहले मुझे कहा था, जब इंदिरा जी ने उनको यहाँ बुलाया था तब भी वो ये बात कहते थे। लेकिन ये बात अब काबुल में अगर मजबूत सरकार बन गई तालिबान की तो ये पाकिस्तानियों पर लागू हो जाएगी। इसके अलावा पाकिस्तानियों को डर ये है कि और पठान 50 लाख अगर वहाँ गड़बड़ चलती रही काबुल में तो घुस आएंगे, उनको रोक नहीं सकते। उन्होंने सीमा पर बंदिशें बहुत लगा दी, वहाँ पर तार खींच दिए हैं, लेकिन उन तार वार को सब तोड़ डालेंगे पठान, क्योंकि इधर भी पठान रहते हैं और उधर भी पठान रहते हैं। वो तार वार सब गिरा देंगे, खंभे गिरा देंगे, और अभी भी सब स्पिन बलदार से, और ऊपर भी एक सीमा क्षेत्र है, वहाँ काफ़ी बड़ा बाजार भी भरता है, मंडी भरती है, उसमें भी मैं गया हूँ कई बार, जलालाबाद से आगे है वो, तो वहाँ से घुसाएँगे सारे, पाकिस्तानी लोग उनको रोक नहीं सकते। तीसरी चौथी बात ये है कि पठान लोग, मैं उनके गांवों में जब जाता था 50 साल पहले, काबुल विश्वविद्यालय में पढ़ता था, तो मुझसे क्या बोलते थे? मुझसे बोलते थे कि हम इन पंजाबियों की गुलामी करेंगे क्या? अरे हम खान साहब हैं भाई, हम पठान हैं, हम खान हैं, ये क्या है, पंजाबी है, लाला लोग हैं, इनको मार के हम ठीक कर, ये उनका रुतबा है। इसके अलावा पाकिस्तान के हाल बड़े खस्ता है आजकल आर्थिक दृष्टि से, कोई भी देश चीन के अलावा उनको डट के मदद नहीं कर रहा है। ऐसी स्थिति में हमसे ज़्यादा खतरा तालिबान से पाकिस्तानी महसूस कर रहे हैं, और पाकिस्तानी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको अपने असर में ले लें। उन्होंने अपने इंटेलिजेंस चीफ को भी वहाँ भेजा, उसके पहले यानी अगस्त के पहले उनके सेनापति भी वहाँ गए थे,
इमरान खान भी एक बार वहाँ पहुँच गए थे, महमूद कुरैशी भी वहाँ गए हैं। मतलब ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से तालिबान पे हम कब्जा कर लें। तालिबान के पहले जो सरकार थी वो काफ़ी पाकिस्तान से खींची खींची रहती थी, उसको पटाने की भी बहुत कोशिश इन्होंने की। और अफगानिस्तान के ज़रिए इमरान खान कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका से भी अपने संबंध सुधारें। वो अमेरिका के कल उन्होंने जो बाइडन के पक्ष में बयान दिया है कि जो बाइडन ने बिल्कुल ठीक किया है, तो वो सबको पटाने में लगे हैं और बहुत घबराए हैं। चीन की भी रणनीति इसी तरह की है। चीन चाहता है कि तुर्किस्तान का जो आंदोलन है, पूर्वी तुर्किस्तान का जो उइगर लोगों का समर्थन करता है, वो उइगर मुसलमानों को तालिबान भड़का नहीं दे। अभी तक यानी अगस्त से पहले तक जो उइगर मुसलमान हैं जो वहाँ सिंकियान प्रांत में रहते हैं, उनसे तालिबान का सीधा संपर्क। जब मैं जब भी सिंकियान में गया हूँ, वहाँ के मुसलमान लोग मुझे भी ये समझते थे कि मैं या तो पाकिस्तानी हूँ या अफगान हूँ, तो मुझसे भी वो खुल के बात करते थे। और जो अनुवादिका हमारी होती थी वो भी एक उइगर लड़की होती थी, तो वो उनको उइगर भाषा में बताती थी कि ये हिंदू है, इंडियन है, इससे संभाल के बात करो। तो वहाँ के जो उइगर मुसलमान हैं वो भी चीन के खिलाफ बगावत की मुद्रा में रहते हैं। उनसे तालिबान का और उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, इन सब पांचों जो स्टार हैं उनके लोगों का संबंध बना हुआ है। उसमें 10 लाख उइगर लोग, उइगर मुसलमान यातना शिविरों में बंद। तो चीन भी डरा है। यस सर, आवाज आ रही है? Yes, sir. अच्छा, और उसे बोलूँ, चीन पे बोलूँ तो चीन को भी बहुत डर है और चीन को फायदा ही फायदा दिखाई पड़ रहा है। चीन लाल तपका रहा है। जब मैं अफगानिस्तान में पढ़ता था करीब 50-52 साल पहले, तब भी चीन की कोशिश थी कि आइनक की जो खदानी हैं काबुल के पास में हैं, वो तांबा भरा हुआ है और लोहा तो वहाँ इतना भरा हुआ है अफगानिस्तान में कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वहाँ लोहे की इतनी खदानें हैं कि उन पर भारत का कुछ काम शुरू हो जाए, इसके लिए मैंने बहुत कोशिश की। वहाँ के राष्ट्रपति हामिद करजई मेरे दोस्त रहे हैं। हामिद करजई को मैंने कई बार कहा कि भारत के उद्योगपतियों को भाई बुला लो, तो तुम्हारी ये जो खदानें हैं इनको खोद के इनको मारा माल कर देंगे। उन्होंने भारत के एक दो उद्योगपतियों से संबंध भी स्थापित किया, उनको वहाँ आमंत्रित भी किया। उनका जो उद्योग मंत्री था वो मेरे कहने से यहाँ आके भारत के हमारे कुछ मित्रों से मिला है, लेकिन वो हाजीघाट की लोहे की खदानें भी ऐसी पड़ी हुई हैं और वो जो तांबे की खदानें हैं वो भी ऐसी पड़ी हैं। चीन उन पर कब्जा करना चाहता है और चीन कहता है कि भारत ने क्या किया, $3 बिलियन खर्च किए 20 साल में, हम एक घटने में $3 बिलियन खर्च कर देंगे उन खदाने में। तो चीन लार भी टपका रहा है और उसको डर भी लगा रहा है। यही बात रूस को है। रूस को भी डर बहुत है, क्योंकि रूस के जो पुराने पांच रिपब्लिक है वो सब इस्लामी हो गए हैं पिछले 150-200 साल में, और रूस ने उनको मार मार के ठोक ठोक के, आपने नाम देखे होंगे उनके, यारो जारो, मतलब उनको अपने अरबी नाम या उर्दू नाम ही नहीं मारते। जैसे उसका नाम ईमान है तो उसको कह दिया ईमानो, अब वो ईमानो है। जैसे सोवियत नाम होता है, सोवियतकरण कर दिया और नाम रूसीकरण कर दिया। तो रूस भी डरा हुआ है कि उसके यहाँ बगावत फैल गई तो बगावत ऊपर तक चली जाएगी, आर्मेनिया में चली जाएगी, उसका जो चेचनिया वाला प्रांत है उसमें अलगाव पैदा हो जाएगा। तो आप ये देखिए कि रूस और अमेरिका, जिसके हजारों सोल्जरों को मार दिया और जिसके बिलियंस ऑफ डॉलर अमेरिका में कूड़े में बह गए, वो तो तालिबान से बात कर रहे हैं और हमारी सरकार बात नहीं कर रही। लेटे रहो और देखते रहो, ये नीति बना रही है। बात किससे कर रही है? सऊदी अरब से कर रही है, बात कर रही है उज्बेकिस्तान से, बात कर रही है तुर्की वालों से, बात कर रही है ईरान वालों से। अरे उनसे बात करने से आपको क्या मिलेगा? आपको अपने $3 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट किया है उसकी रक्षा करना है, भारत अफगानिस्तान संबंधों को बढ़ाना है, अपने राष्ट्र हितों को देखना है। आप हमको मजबूत बनाएं या अमेरिका के गतानुगतिक बने, अमेरिका के आप नीच के घर चाल चलते रहें। तो मेरा कहना यह है भारत सरकार से, इसको सजग होना चाहिए,
और चेतन ढंग से काम करना चाहिए और सीधा तालिबान से संपर्क करना चाहिए, तालिबान को बताना चाहिए कि तुम्हारी जो मदद हम कर सकते हैं दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता, दुनिया का हर देश तुमसे कुछ न कुछ वसूल करना चाहिए, एक पैसा लगा के तीन पैसे वसूल करना चाहिए, जितना इन्वेस्टमेंट वहाँ करेगा उससे डबल वापस चाहता है, हम कुछ नहीं चाहते, हमने कभी अफगानिस्तान से मांगा कि हमें वो कोई फ़ायदा पहुँचा, हम तो सिर्फ प्रेम के भाव से हमारे आर्याना प्रदेश से जो आर्यों का प्रदेश है, जो आर्यों का देश है अफगानिस्तान, उसकी मदद करना चाहते हैं। जितनी निष्पाप मदद भारत ने किया अफगानिस्तान दुनिया की किसी राष्ट्र में, इसलिए भारत का वहाँ बहुत सम्मान है। मैं तो अफगानिस्तान के गांव गांव शहर शहर में घुमा हूँ, रहा हूँ, वहाँ मैं देखता हूँ कि भारतीयों से बहुत प्यार है, वहाँ के बड़े बड़े मस्जिदों में गए तो मौलाना लोग, मैं तो शाकाहारी हूँ, बेचारे इतना ध्यान रखते थे कि मेरे खाने में कहीं कोई गड़बड़ ना हो, और हर तरह से वो भारत का बहुत सम्मान करते हैं। तो मेरा कहना यह है कि भारत सरकार को चाहिए कि जल्दी से बात करें, मैं मान्यता देने के पक्ष में नहीं, मान्यता बिल्कुल नहीं देना है, करें अभी उनकी परीक्षा करना है, वो तो ठीक से बर्ताव करते हैं कि नहीं करते, वो आज़ाद सरकार की तरह बर्ताव करते हैं कि नहीं करते, अगर वो किसी की भी गुलामी करें तो अभी उनको मान्यता देने की जरूरत नहीं, लेकिन बातचीत करना चाहिए। अरे भाई, जब हम पाकिस्तान से बातचीत कर सकते हैं, पाकिस्तान में हमारा राजदूत रख सकते हैं, पाकिस्तान के नेता जो यहाँ बुला के भोजन करा सकते हैं, पाकिस्तान में उनकी शादियों में जा सकते हैं, तो तालिबान ने हमारा क्या किया? तालिबान ने मजबूर होकर कश्मीर में हमारे साथ जब भी गड़बड़ की है वो इसलिए की है कि अपने मेहरबान लोगों की शरण की थी, पाकिस्तानियों के कहने से हमारे विरोधी थोड़ी हैं, पाकिस्तानियों के एक हथियार बन के उन्होंने हमारे खिलाफ बयान दिए, हमारे खिलाफ काम किया, लेकिन तालिबान प्रवक्ता कई बार कह चुके हैं कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है। अभी ताज़ा तरीन मामले में एक पाकिस्तानी प्रवक्ता ने, एक तालिबान प्रवक्ता ने कहा कि कश्मीरियों के हकों के लिए, उनके हकों के लिए हमें बोलने का अधिकार है। अरे हर आदमी को अधिकार है, दुनिया के हर नागरिक को अधिकार है, हमको अधिकार है कि नहीं? काबुल में अगर भारतीय नागरिकों को कोई तंग करता है, वहाँ के हिंदू और मुसलमानों को तंग करता है, तो हम बोलते ही नहीं बोलते, तो उनको भी बोलने का अधिकार है, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि कश्मीर के नागरिकों को साधारण अधिकार तो है ही है, आम भारतीयों से ज़्यादा अधिकार है। हमारे कश्मीरी बिल्कुल भारतीयों, आम भारतीयों के मुकाबले कहीं ज़्यादा आराम में, ज़्यादा सुविधा में, उनको टैक्स नहीं देना पड़ता, वो भारत में संपत्ति खरीद सकते हैं, लेकिन शेष भारत में रहने वाले लोग कश्मीर में संपत्ति नहीं खरीद सकते थे, कल अब शुरू हुआ है, तो वो तो बहुत ही प्रिविलेज लाइफ जी रहे हैं हमारे कश्मीर, ये तालिबान को पता नहीं होता। तो मेरा कहना ये है कि भारत सरकार को थोड़ी और सजगता दिखानी चाहिए, और जब संयुक्त राष्ट्र संघ पहली बार हम अध्यक्ष बने, सिक्योरिटी काउंसिल सुरक्षा परिषद के, तो हमें प्रस्ताव ला सकते हैं कि वहाँ पर शांति सेना भेज, यूएन पीस फोर्स भेज दी जाए, और वो पीस फोर्स एक साल में वहाँ निष्पक्ष चुनाव करता है। अफगान जनता जिसको चुनाव में चुने वो सरकार, तालिबान को बनाना है तो वो बनाना है, हामिद करजई को बनाना है तो वो बनाना है, अब्दुल्ला बनाना चाहते हैं अब्दुल्ला बनाना है, अशरफ अच्छा गनी बनाना चाहे वो बनाना है, कोई और बनाना है, दोस्तम बनाना चाहे वो बना ले, जो चाहे वो बना ले, लेकिन जनता के द्वारा चुनी भारत ने वो मौका भी गवा दिया। और लगता ये है कि हमारे जो नेता लोग हैं उनको विदेश नीति की कोई समझ है नहीं, उन्होंने ठेके को उठा रखा है कि ये अफसर लोग चलाएं, और एक अफसर है जिसको विदेश मंत्री बना दिया, ये पहली बार हुआ है भारत के इतिहास में कि विदेश मंत्रालय का एक अफसर विदेश मंत्री बना हुआ है। हालांकि ये तो अफसर बड़ा योग्य लड़का रहा है, छोटा बच्चा था तब से उसको मैं जानता हूँ, जे एन यू में पढ़ा है, उसके पिताजी मेरे मित्र हैं, मित्र रहे हैं के सुब्रमण्यम जी, वो बड़े भारी राष्ट्रभक्त थे, और उनके जैसा विदेशी मामलों का, रक्षा मामलों का बहुत कम भारत में हुआ है, बड़े विद्वान थे, उनके साथ मुझे काम करने का शुभ अवसर भी मिला, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि विदेश मंत्री के रूप में जयशंकर की क्षमता पर मुझे थोड़ा संदेह होने लगा। वो विदेश सचिव अच्छा हो सकता है, विदेश मंत्री होना भी एक अलग बात है, लेकिन मुझे विश्वास है कि नरेंद्र मोदी सीख रहे हैं,
लोगों के कहने से, मैं भी कहता रहता हूँ, लिखता रहता हूँ, उसका भी असर मुझे दिखाई पड़ता है कि अभी हमारे जो राजदूत थे दोहा में, कतर में दीपक मित्तल, उनसे वो जो शेर मोहम्मद स्थानक जी, उनका प्रवक्ता जो अभी उपमंत्री है, विदेश मंत्री है, वो खुद जाके मिला है, तो बातचीत हुई है, मतलब कम से कम कुछ द्वार तो खुला है, कुछ असर तो हुआ है, तो अच्छा है। और मैं समझता हूँ कि भारत को अभी मान्यता देने की जल्दी नहीं करना चाहिए, लेकिन अफगान जनता की जो भी मदद हम कर सकें भरपूर, वो देने का समय है। तालिबान को हम ये बता सकते हैं कि हम उनकी जैसी मदद कर सकते हैं अफगानिस्तान को स्थायी को शांति प्रदान करने के लिए, तो मैं पूरी रात नहीं कर सकता। अभी तो इतना ही कहना चाहता हूँ, और कोई प्रश्न हो तो पूछिए। तालिबान की कथनी और करनी, उसमें आपने एक जगह लिखा है, तालिबान की है नई सरकार भी बहुत कुछ अपनी 25 साल पुरानी सरकार जैसी ही है, जिसमें भारत विरोधी तत्वों की भी भरमार है। लेकिन आप ये बात मत सोचिए कि ये एकदम बदल जाए, ऐसा नहीं है। पुराने इनके संस्कार बहुत दृढ़ है, औरतों को ये आने नहीं दे रहे हैं, ना मंत्रिमंडल में लिया है उन्होंने, ना उनको विदेश मंत्रालय में आने दे रहे हैं, ना दफ्तरों में काम पे आने दे रहे हैं। जबकि आपको मैं बताऊं कि अफगानिस्तान इस मायने में भारत से भी आगे था, अब से 50-55-60 साल पुरानी बात आपको बताता हूँ। काबुल टाइम से एक अखबार निकलता था, पता नहीं आजकल निकलता है कि नहीं, उसमें मुख्य पृष्ठ पर एक कार्टून छपा था, उसमें एक छोटा सा बच्चा है 6-7 साल का, उसका दाहिना हाथ 1 फुट लंबा है और बाया हाथ 1 फुट छोटा है। तो उस कार्टून में ये दिखाया था कि जब बाजार में वो और उसकी माँ पैदल चलते थे तो माँ का स्कर्ट पकड़ के चलता था, तो वो स्कर्ट इतना ऊंचा पहनती थी उसकी माँ कि उसको हाथ लंबा करना पड़ता था, यूँ उठाना पड़ता था, हाथ में उठाना पड़ता था, हाँ, उसके कारण उसका हाथ 1 फुट लंबा हो गया दाया हाथ, और बाया हाथ जैसा स्वाभाविक था नेचुरल वैसा का वैसा रहा। पहले इतना मिनी स्कर्ट काबुल की लड़कियां पहन के बाजार में घूमती थी, ये उस जमाने की बात आपसे कह रहा हूँ, ये कार्टून मैंने देखा था 50-55 साल पहले, उसका जिक्र मैंने आपसे किया। काबुल में लोग खूब पार्टियां करते थे, यूरोपीय रसन वहाँ बहुत था, ईरान में भी बादशाह के शहनशाह के ज़माने में ईरान में मैंने देखा कि वहाँ भी वहाँ जो लड़कियाँ ये पहनती थी अपना जामा जो पहनती थी बड़ा सलवार के ऊपर, उसके जेब की जगह छेद थे काले काले। जब मैं विश्वविद्यालय में वहाँ तेहरान यूनिवर्सिटी में भाषण देने जाता था तो लड़कियों के वो जो फ्रॉक में और यहाँ जो ऊपर लपेटते ये फ्रॉक में छेद होते थे काले काले। तो मैंने एक लड़की से पूछ लिया, मुझे बात क्या है, ये सारी लड़कियों के कुर्ते के यहाँ छेद क्यों जेब के पास? बोले इसलिए कि हम सिगरेट पीते हैं और जैसे कोई टीचर दिखता है, कोई मुल्ला जी दिखते हैं, दाढ़ी वाले मुल्ला दिखता है, तो हम वो सिगरेट पे मार के बुझा देते हैं, पाँव पे मार के बुझा देते हैं, तो वह छेद हो जाता है, काला जल जाता है। यानी वहाँ इतना आधुनिकता का या ये कहिए कि पश्चिम का ऐसा प्रभाव अफगानिस्तान और पाकिस्तान में फैल गया, और वहाँ पर ये औरतों को इतना दबा रहे हैं, मुश्किल पैदा कर रहे हैं, और भी करेंगे, हो सकता है, क्योंकि तालिबान भी कोई एक नहीं है, तालिबान में भी कई गुट हैं और तरह तरह के लोग हैं, तो अभी स्थिति कुछ अनिश्चय की है। इसलिए मैं समझता हूँ कि भारत सरकार को बहुत सावधानी और बहुत दरियादिली और थोड़ी सी हिम्मत से काम लेना चाहिए। अगर भारत सरकार हिम्मत नहीं दिखाएगी तो वो इन तालिबान लोगों को पाकिस्तान और चीन की शरण में जाने के लिए मजबूर कर देगी। यस सर, एब्सोल्युटली राइट। पाकिस्तान में जैसे
दे आर स्केर्ड ऑफ देयर ओन एथनिक सेपरेशन, इसलिए उन्हें ज्यादा कंट्रोल चाहिए तालिबान के ऊपर करंटली. सो सर, इससे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे आ रहा है कि इन अ रीसेंट इंटरव्यू अ फॉर्मर फाउंडिंग मेंबर ऑफ द तालिबान, उन्होंने जब उनसे पूछा गया था कि देयर रिलेशनशिप विद आईएसआई क्या है, तो उन्होंने कहा था कि आईएसआई हमारे पावरफुल वॉचमैन है. एंड रिसेंटली भी फैज हमीद आईएसआई के चीफ, उनकी पिक्चर्स लीक हुई है काबुल के होटल लॉबी में. एंड टाइम एंड अगेन उनको कहा गया है, इज बीन कॉल्ड द किंग मेकर ऑफ अफगानिस्तान. सो सर, इन लाइट ऑफ दीज स्टेटमेंट्स, what role does the ISI play in the developments that are currently taking place in Afghanistan? ये आप ठीक कह रहे हैं कि ISI ने ही तालिबान की पीठ ठोकी है और उसके पहले मुजाहिदीन की पीठ ठोकी है. और बल्कि होता ये था कि तालिबान और मुजाहिदीन इन दोनों को आगे बढ़ाने वाला पाकिस्तान से भी ज़्यादा अगर कोई देश था तो वो अमेरिका का था. जब ये तालिबान के पहले जो मुजाहिदीन थे नेताओं से पेशावर के जंगलों में मैं जाके मिलता था तो मुझे वो बताते थे कि अमेरिका से जो डॉलरों का थैला आता है तो आधा जनरल मुशर्रफ अपने पास रख लेते थे. यहाँ पख्तूनख्वा का जो गवर्नर है पख्तून इलाके का, वो आधा पैसा अपने पास रख लेता है और हमको आधा देता है. तो अमेरिका ने इन लोगों की बहुत मदद की, सरदार दाऊद के खिलाफ मदद की, फिर बबरक कारमाल के हफीजुल्ला अमीन के खिलाफ की, नजीबुल्ला के बबरक के खिलाफ की, बबरक कारमाल के फिर नजीबुल्ला के खिलाफ की. और बाद में जब मुजाहिदीन के खिलाफ बगावत की तालिबान ने तो उनकी भी मदद अमेरिका ने की. अमेरिका ही इन सब पापों की जड़ है. लेकिन अब अमेरिका पशेमान हो गया है, परेशान हो गया है और वो इनसे पिंड छुड़ा के भागा है. मेरा कहना ये है कि ये तो हम सबको पता है कि तालिबान वगैरह सब पाकिस्तान के दम पे जिंदा रहे हैं, लेकिन इनका मूल चरित्र हमारे लोग समझ नहीं पाते. पठान लोगों का मूल चरित्र स्वायत्तता का है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का है. वो थोड़े दिन के लिए मजबूरी में लोगों के परेशान अपनी परेशानी में लोगों के साथ रह सकते हैं, पराए लोगों के साथ रह सकते हैं, लेकिन वो इतने खुद मुख्तार होते हैं कि अपने देश के लोगों की ही वर्चस्व उनका वर्चस्व स्वीकार करने में उनको दिक्कत हो जाती है. वो अपना कानून खुद चलाते हैं. वो कहते हैं कि इन मुल्लों की शरीयत हम मानेंगे क्या, ये जाहिल अरबों की शरीयत हम मानेंगे क्या, हमारी तो पश्तून बनी है, हम तो आर्य हैं, आर्यों के ज़माने से हमारे जो कानून चलते हैं हम उनको मानेंगे. हम ये जाहिलों का कानून मानेंगे क्या, शरीयत हम नहीं मानते शरीयत. और मुझे ऐसे ऐसे उदाहरण उन्होंने शरीयत को नहीं मानने के दिए हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ, वो मतलब बताने योग्य नहीं है. ऐसे ऐसे उदाहरण हैं बहुत ही, वो अश्लील गालियाँ देकर मुझे बोलते थे कि अरबों की शरीयत हम मानेंगे, हैं हम तो आ रहे हैं, हमारे यहाँ तो हजारों बरस से कानून बने हुए, हम तो उनको मानते हैं. तो अब यही बात है कि भारत के जो हमारे नेता लोग हैं, अच्छे लोग हैं, अगर उनको अफगानों का पठानों का इतिहास पता हो, अफगानिस्तान का इतिहास ठीक से जानते हो, तो बेहतर ढंग से काम कर सकते हैं. तो मैं जैसा कर रहा चल रहा है चलता रहेगा. सर, आपने अभी आपने कहा था कि एक डेवलप कंट्री के रूप में अफगानिस्तान विकसित हो रहा था, वेस्टर्न प्रभाव भी था. और तो अभी आज हम देख रहे हैं कि वुमेन्स पे काफी तरह के अत्याचार वहाँ पे ऐसा दिखाई देता है कि वो लोग उन पे रोक लगाएंगे. तो सर, मेरा क्वेश्चन ये है, आप इस फंडामेंटलिस्ट इस्लामिक आइडियोलॉजी को कैसे देखते हो कि कैसे इसने कोई स्टेट को पूरी तरह से डिटेरियट कर दिया, उसके कल्चर को जो डेवलप हो रहा है. आप ये देखो कि जो आपने जैसा कहा फंडामेंटलिस्ट आइडियोलॉजी, ऐसा इंसान कैसे चल पाएगी, सऊदी अरब में नहीं चल पा रही. मजहब के नाम पे सारी दुनिया में एक ही देश है जिसका नाम है पाकिस्तान. मजहब के नाम पे दुनिया में आज तक और कोई दूसरा देश बना नहीं. उस पाकिस्तान में नहीं चल पा रही है ये पोंगापंथी, तो अफगानिस्तान में कैसे चल रही. अफगानिस्तान पर न पैसा है, न फौज सुरक्षित है, कुछ भी नहीं है उसके पास, वो कैसे चलाएगा. जस्ट वेट फॉर अ मिनट, रिजॉइन करना चाहिए उनको. अभी मतलब
थोड़ा सा एंडिंग की तरफ जाना बिकॉज आई थिंक उनको मैंने इस तरह का पहला क्वेश्चन हटा दिया बिकॉज दैट इज ऑलरेडी कवर्ड इतने स्टार्टिंग स्टेटमेंट बहुत लंबा है या वो थोड़ा सा है बाकी कुछ हेलो हां क्या बोल रहा था सर जो आप बोल रहे थे कि मदद के नाम पे पाकिस्तान एक मात्र देश बनाया अभी तक हाँ मेरा ये कहना है कि पाकिस्तान दुनिया का एकमात्र देश है जो मजहब के आधार पर है जब वहाँ पे पोंगापंथ नहीं चल सकता है वहाँ कट्टरता नहीं चलती है मैं तो पाकिस्तान कई बार गया हूँ वहाँ हमसे भी ज़्यादा खुलापन है कई जगह आप लाहौर के होटलों में जाइए तो वहाँ जिस तरह से डांस चलते हैं हर बड़े आदमी के घर में एक पूरा बार खुला हुआ है शराब खाना खुला हुआ है किसी बड़े आदमी घर में चल रहे हैं कुरान शरीफ में इस्लाम में शराब के खिलाफ कितना लिखा हुआ है भाई हिंदू धर्म में तो हमारे देवता भी शराब पीते हैं हम पिलाते हैं हमारे देवताओं को हैं हमारे यहाँ तो बड़े बड़े ग्रंथों में भी शराब वराब के बारे में लिखा रहता है सब छूट है अपने यहाँ वहाँ तो इतनी सख्ती है उसके बावजूद हर घर में बड़े आदमी के घर में शराब का कारखाना शराब का वो बार खुला होता है शराब खाना खुला होता है तो मेरा ये कहना है कि तालिबान भी एक नकली दुनिया में कब तक रह सकते और इतनी भयंकर आर्थिक कठिनाई है उनकी अगर लोग शर्तें लगा देंगे कि तुम औरतों को नहीं काम करने दोगे तो हम तुमको पैसे नहीं देंगे तुमको अनाज नहीं मिल जाएंगे तो झक मार के वो करने देंगे हाँ तो दुनिया को चाहिए कि अफगानिस्तान की मदद करें अपने प्रस्ताव से तालिबान को झुकाए बदले परिवर्तन करें उनको सभ्य बनाने की कोशिश करें और बेहतर बर्ताव करें ऐसी व्यवस्था करें बिल्कुल 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 वही करना चाहिए और वही सही तरीका भी है कि और देखो मैं एक दूसरी बात कहता हूँ कि अगर हमको ये मालूम पड़ गया कि तालिबान हमारे विरुद्ध बिल्कुल बाकायदा काम कर रहा है करने वाला है तो हमको रोका किसने तालिबान की हैसियत क्या है और पाकिस्तान की क्या हैसियत है पाकिस्तान हमारे फ्रांस के बराबर है कश्मीर में गड़बड़ करके देखें हम तंबू उठा रहे हैं वो तो इंदिरा जी ने और अटल जी दोनों ने संकोच कर उन्हें लाहौर पर कब्जा करें हमारी फौज में इतनी ताकत हमारे लोग इतने डिटरमिंड हैं इतने संकल्पशील हैं हमको डर क्यों है तालिबान से हम डरेंगे क्या अरे चीन को सीधा कर दो अब चीन में चीन क्यों पीछे हट रहा है गलवान घाटी से उसको मालूम है कि इतनी ऊंचाई पे वो हमसे लड़ नहीं सकता है अगर हम भिड़ जाएंगे तो हम तो बहुत दूर तक जा सकते हैं हम ही न्यूक्लियर पावर है हमको कोई डर नहीं और हम ये जानते हैं कि भाई पाकिस्तान भी न्यूक्लियर पावर है पाकिस्तान को हम युद्ध नहीं करना चाहते लेकिन पाकिस्तान को पता है कि वो अगर हम पे गौरव करेगा तो फिर हम पूरे समर्थ हैं अपनी रक्षा नहीं डर की कोई बात नहीं है हमको बात करनी चाहिए पूरी डिप्लोमेसी चलानी चाहिए थैंक यू सर और कुछ है सर अगला क्वेश्चन आता है मेरी तरफ से सर रिसेंटली अलकायदा ने अपने वीडियो मैसेज में और एक रिटन उमा में अपना कॉन्ग्रेचुलेट करा था तालिबान को ऑन द रिकैप्चर ऑफ द अफगान टेरिटरी एंड उसी सेम कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज में दे कॉल्ड फॉर द लिबरेशन ऑफ अदर इस्लामिक लैंड्स लाइक लेबनान पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न अफ्रीका एंड उसी मैसेज में कश्मीर का भी मेंशन करा गया था हां वो तो अलकायदा वाले तो पूरा कहते हैं ना कि इंडोनेशिया से लेके और लेबनान तक यस सर नेबर जो चाइना है उन पे भी काफी दे हैव आल्सो बीन अक्यूज्ड ऑफ एट्रोसिटीज इन जिंजियांग एंड रिप्रेशन ऑफ उइगुर मुस्लिम्स इन द रीजन सो सर माय क्वेश्चन टू यू इज दैट व्हाई हैज द तालिबान द लश्कर-ए-तैयबा और द अलकायदा नॉट प्लेस्ड देयर सपोर्ट फॉर द ईस्ट तुर्किस्तान मूवमेंट एंड व्हाई डज इट फाइंड नो मेंशन एनीवेयर अच्छा है अलकायदा कभी कोई चीज मेंशन करता है कभी नहीं करता है लेकिन वो हर जगह इस्लामिक शासन स्थापित करना चाहता है उससे हम ये कहेंगे भैया तू पहले सऊदी अरब में तो कर ले फिर और कहीं देखेंगे तुम अरबी लोग हो पहले वहाँ तो इस्लाम ले आओ वहाँ का जो प्रिंस है
वो सारे मुल्ले मौलवियों को ठोक रहा है वहाँ पर और चीज़ों को बदल रहा है। तो पहले तुम उसको कर लो, फिर और जगह कर लो। सबसे पहले तो ईरान मारेगा उनको, या देश है ईरान, वो ठोक लगाएगा उनको। इराक के अंदर भी बगावत है, सीरिया में भी बगावत है, कहाँ करेंगे? अलकायदा तो ख़त्म होने वाला है, चलने वाला है नहीं, लेकिन जितने भी लोग हैं वो आसानी से ऐसे हथियार डालने वाले हैं नहीं। वो अनर्गल प्रलाप करेंगे, करते रहेंगे, उससे क्या फर्क पड़ता है? वो बदमाशियाँ भी करेंगे, उनके पास हथियार भी है, बम गोले भी हैं, वो आतंकवाद भी फैलाएंगे, लेकिन सबको मिलकर लड़ना चाहिए। और हमें देखो, तालिबान एक शासक बन गया है। आप सोचो अपने देश में जो विरोधी पार्टियाँ थीं तब वो क्या क्या बोलती थी, जब वो खुद सत्ता में आई तो उनका रवैया बदल गया कि नहीं? बिल्कुल बदल गया। तो अब तालिबान भी सत्ता में है, हमें कोशिश करना चाहिए कि उनका रवैया पूरी तरह से बदल जाए, आधा नहीं बदले, अच्छी तरह से बदले। ये कोशिश हमारी होनी चाहिए। और हम दक्षिण एशिया के सबसे प्रमुख देश हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि हम सारे पड़ोसी देशों में शांति और व्यवस्था के बारे में सोचें और उसके लिए जो कुछ ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें वो करें। बोल और कुछ है? थैंक यू सर, द क्वेश्चन वाज वेरी इंसाइटफुल। अभी लास्ट क्वेश्चन है सर आर्यन की तरफ से। लास्ट क्वेश्चन सर, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ही रिसेंटली शेयर्ड अ हाई लेवल सिक्योरिटी ब्रीफिंग विद हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अभी रिसेंटली इंडिया ने आल्सो अभी चेयर कराई यूएनएसए की मीटिंग उनकी प्रेसिडेंसी की। सो सर, गिवन द क्लोज टाइज बिटवीन द हकानी फैक्शन ऑफ द तालिबान एंड द आईएसआई, व्हाट सिक्योरिटी रिस्क डज इंडिया फेस इन दिस न्यू जियोपॉलिटिकल सिनेरियो एंड हाउ एज अ कंट्री क्या स्टेप्स ले सकते हैं इसको मिटिगेट करने के लिए? देखिए, हक्कानी ग्रुप इंडिया के ख़िलाफ़ है, उसने हमारी एम्बेसी पे हमला भी करवाया था, लेकिन अब हक्कानी पावर में है, हक्कानी ग्रुप, और मुझे लगता नहीं है कि उसका एटीट्यूड पुराने जैसा रह पाया। उसको अब थोड़ा मर्यादित होना पड़ेगा, थोड़ा संतुलित होना पड़ेगा। और मैं तो ये कहता हूँ कि वो पठान लोग हैं, उनमें कई पाकिस्तानी एलिमेंट के लोग भी हैं, पाकिस्तान में पैदा हुए पठान भी हैं और पाकिस्तानी एलिमेंट भी मुझसे हुए हैं। उन सबको मॉडरेट करना, उन सबको संतुलित करना हमारी कूटनीति का आनंद होना चाहिए और जरूरत पड़ेगी तो मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। वो भी तैयारी हमको करनी है, हमको किसी से डरना नहीं, तब के काम नहीं करना, लेकिन लचीलापन, मैं लचीलेपन का पक्ष हूँ। और लचीलेपन का मतलब कमजोरी नहीं, असावधानी नहीं, बल्कि जरूरत से ज़्यादा सावधानी रखने की जरूरत है। और हम ये करेंगे तो दक्षिण एशिया की महाशक्ति होने का जो हमारा दावा है और जो हमारी छवि है उसके मुताबिक हम काम कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सर, काफ़ी अच्छे से आपने एक्सप्लेन करा हमें, आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा सर दिस इंटरव्यू। सो बिफोर रैपिंग अप द सेशन, सोहम एंड आई ऑन बिहाफ ऑफ कॉकस एंड द एंटायर टीम ऑफ प्रो वुड लाइक टू थैंक डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक फॉर गिविंग अस दिस टाइम फॉर दिस इंटरव्यू। इट वॉज इंडीड अ वेरी इंसाइटफुल एंड एंगेजिंग कॉन्वर्सेशन एंड आई एम श्योर आवर मेंबर्स एंड आवर ऑडियंस विल टेक अवे समथिंग मीनिंगफुल फ्रॉम इट। The recording of this interview will be published on our YouTube channel and the transcript of the same will be published in the 9th edition of Crore. So, isi ke saath, once again, thank you so much, sir, for joining.